तो आपको भी गर्मियों में लगता है कि कौन सी सब्जी बनाए और कैसे बनाए, तो आज मैं एक ऐसा मसाला लेके आई हूँ जिसे सब्जी में ऐड करने से आपकी सब्जी का टेस्ट अनदर लेवल हो जाएगा। और अगर आपको कोई सब्जी भरवा बनानी है, भरवा स्टाइल में कोई सब्जी बनानी है, तो 2 मिनट में बन जाएगी। उसके लिए बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करने पड़ेंगे। इस मसाले को आप स्टोर कर सकते हैं 6 महीने तक आराम से रेफ्रिजरेटर में, तो हो गया ना इजी। चलिए देखते हैं। हेलो माय फूडी फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त मनीषा और आप देख रहे हैं सिंपलीफायर कुकिंग। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, सीधा चलते हैं किचन में। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मल्टीपल सब्जियों में काम आने वाला एक ऐसा परफेक्ट मसाला बनाएंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है मेजरमेंट इस कटोरी से। आप किसी भी कटोरी का मेजरमेंट लेंगे तो आगे भी वही रखना है आपको, ठीक है। मैंने यहाँ पर कच्चे सिंगदाने लिए हैं, इन्हें हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट करना है। अच्छे से यानी कि वो दाना आप इजीली खा सके कम्फर्टेबली, वैसा आप रोस्ट कर लीजिए। थोड़ा सा ऊपर की स्किन का कलर चेंज हो जाए तब तक रोस्ट कर लीजिए। वही कटोरी ऊपर तक भर के मैंने लिया है बेसन। अगर आप बेसन नहीं लेना चाहते हैं तो मैं 3-4 ऑप्शंस आपको बताऊंगी। अगर बेसन को भूनने की मेहनत भी नहीं करनी है तो भी मैं आपको ऑप्शंस बताऊंगी, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो में बने रहना होगा। तो यहाँ पर मैंने कर लिया है बेसन को अच्छे से रोस्ट, और अब हम इसे भी साइड में रख देंगे और हमें बेसन को भी लो फ्लेम पे ही रोस्ट करना है। साथ में मैंने एक ही कटोरी भर के लिया है सूखा हुआ नारियल। अगर आप इस तरीके से नारियल को लेते हैं, अच्छे से रोस्ट करते हैं, तो इस मसाले की शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। कच्चा नारियल लेंगे तो फिर आपको, या फिर डेसिकेटेड कोकोनट लेंगे तो फिर आपका मसाला जो है वो जल्दी ख़राब होने के चांसेस हैं। यहाँ पर हमने 1/4 कटोरी जो है वो भर के लिए हैं तिल, और उसमें से भी थोड़े तिल हमने साइड में रख लिए हैं कच्चे वाले। तो बस इन्हें भी हम रोस्ट करके साइड में रख लेते हैं। अब हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं 3 बड़े चम्मच, या फिर जो आप जो रेगुलर यूज़ करते हैं वही वाले चम्मच ले लीजिए, सौंफ के और जीरे के। दोनों को साथ में हमें रोस्ट करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों की जो साइज़ होती है वो एक जैसी होती है, तो वो दोनों को आपको साथ में ही रोस्ट करना है। और देखिए यहाँ पर इनका हल्का सा कलर जो है वो ब्राइट हो जाएगा और हल्की हल्की खुशबू आने लगेगी। बस तब तक रोस्ट कर लीजिए और इसे भी साइड में रख दीजिए ठंडा होने के लिए। अब क्या करना है हमें, जो चीज़ें हमने अच्छे से रोस्ट करी थी यानी कि जो नट्स थे, सीड्स थे, वो हम यहाँ पर इसे पीसेंगे पहले, क्योंकि इनमें ऑयल होता है ना, तो इन चीज़ों को हमें साथ में पीसना है। उसके बाद में हम डालेंगे इसमें रोस्टेड बेसन। रोस्टेड बेसन की जगह पे आप ले सकते हैं रोस्टेड जो भुना हुआ चना मिलता है ना मार्केट में बिना छिलके वाला, वो ले सकते हैं। या फिर आप एक और चीज़ ले सकते हैं जो मेरी फेवरेट है इस रेसिपी के अंदर, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगी। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, ये मसाले को यानी कि ये जो हमारा एक मिक्सर रेडी हुआ है उसे एक बोल में निकालेंगे, और यहाँ पर जो सिके हुए जीरा और सौंफ है उसके साथ में हम लेंगे धनिया पाउडर 1 कटोरी सेम भर के, और 1 कटोरी ही भर के हमें लेनी है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। साथ ही हम लेंगे 1/4 कटोरी भर के आमचूर पाउडर, और नमक आप स्वाद अनुसार ले लीजिए। मैंने यहाँ पर 1/4 कटोरी भर के सादा वाला नमक लिया है, आप चाहें तो काला नमक भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इन सभी को हम पीस के अच्छे से मिक्स करके, और ये जो बेसन वाला मिक्सर था ना उसके साथ मिला देंगे। साथ में डाल देंगे हम तिल भी, और इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से हाथों से मिलाना है। अब आपको भुने हुए चने भी नहीं लेने हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, तो आप ले सकते हैं रतलामी नमकीन बेसन की जगह पे, और आपको भुनना वुनना कुछ नहीं करना पड़ेगा। सिंपल आप 1 कटोरी भर के जो है रतलामी नमकीन ले लीजिए और वो आप पीस लीजिए। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। बस इसे स्टोर कर लीजिए एयरटाइट कंटेनर में, रेफ्रिजरेटर में, और जब भी भरवा सब्जी बनानी हो आप इस मसाले का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसके साथ जुड़ी हुई रेसिपीज आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खाते पीते रहिए, ज़्यादा पानी पीते रहिए। बाय बाय।